बप्पी लहरी। हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने फैंस के दिल और दिमाग में छाए हुए हैं। सिनेमा जगत में अब तक कई गायक आए, लेकिन उनमें से बप्पी लहरी ही एक ऐसे गायक थे जिन्होंने संगीत को नई पहचान दी। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने गाए। जब भी बप्पी लहरी नजर आए, ज्वेलरी से लदे नजर आए, इसी वजह से उन्हें लोग गोल्डन मैन भी कहते थे। बप्पी लहरी को सोना पहनना काफी पसंद था। ऐसा इसलिए क्योंकि बप्पी दा एक हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर एल्विस प्रेस्ली से बहुत प्रभावित थे। इसका खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो पहली बार एल्विस प्रेस्ली से मिले थे, गले में सोने की चैन देखी थी, जिसकी वजह से बप्पी लहरी को भी सोने की चैन पहनने का मन होता था। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि जब भी पैसा आएगा तो एक सोने की चैन जरूर बनवाएंगे। जैसे ही बप्पी दा ने बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए और देखते ही देखते उनकी गिनती बड़े सिंगर्स में होने लगी। बस इसके बाद उन्होंने अपने सोने पहनने के शौक को पूरा किया। बप्पी लहरी अपने गले में कई किलो सोना पहना करते थे। सिंगर कई बार कह चुके थे कि सोना उनके लिए बहुत लकी है। आपको बता दें कि बप्पी लहरी का निधन 15 फरवरी 2022 को 69 साल की उम्र में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि मशहूर बप्पी दा अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड मैन के नाम से मशहूर बप्पी दा के पास $3 मिलियन यानी करीब 22 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। वो मूवी में एक गाने का 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते थे। किसी कॉन्सर्ट में एक घंटे का प्रोग्राम देने के लिए बप्पी दा 20 से 25 लाख रुपए लेते थे। उनकी मंथली इनकम 20 लाख और सालाना कमाई करीब 2 करोड़ 2 लाख रुपए थी, जबकि 11 करोड़ 3 लाख का पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बप्पी लहरी के पास मुंबई में एक लग्जरी मकान भी है जो उन्होंने साल 2001 में खरीदा था। इस मकान की बाजार में फिलहाल कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था। उनके पास दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन गाड़ियां थी। इसमें BMW और ओडी के अलावा टेस्ला की भी 55 लाख रुपए की एक कार है। बप्पी दा को हमेशा 7 से 8 सोने की चैन पहने हुए देखा गया। उनके पास व्यक्तिगत रूप से सोने के काफी जेवर हैं। 2014 में चुनाव के दौरान किए गए खुलासे के मुताबिक बप्पी दा के पास 750 ग्राम सोने की ज्वेलरी थी। खबरों के मुताबिक बप्पी लहरी की संपत्ति के मालिक उनके परिवार के लोग हैं। आज भले ही बप्पी लहरी हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गाने उनके फैंस के दिलों और दिमाग में हमेशा छाए रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।